प्रदेश के करीमगंज में डेंगू का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा। जिला प्रशासन के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग भी बौना साबित हो रहा है, जिसके चलते करीमगंज में अब तक मरने वालों की संख्या में बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है। करीमगंज में आज का आलम यह है कि 17 लोगों की गांव में फैली इस प्राण घातक बीमारी से मौत हो गई है, जिसकी सूचना पाकर मौके पर पहुंचे आबकारी विभाग मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री ग्रामीणों से मिले, जहां उनकी समस्या सुनी। ग्रामीणों ने लगातार मुख्य चिकित्सा अधिकारी पर लापरवाही के आरोप लगाए। यहां तक ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए आबकारी मंत्री से कहा कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो सैंपल ले गए हैं उनकी अभी तक रिपोर्ट नहीं दी गई है। स्वास्थ्य के नाम पर अब केवल खाना पूर्ति हो रही है, जबकि गांव में डेंगू से पीड़ित 30 लोगों की पॉजिटिव रिपोर्ट बताई जा रही है। वहीं एक ग्रामीण का आरोप है कि बीती 8 तारीख को जिला स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू की जांच के लिए सैंपल लिया था, जिसकी अभी तक रिपोर्ट नहीं मिल पाई है। हालांकि प्राइवेट जांच की रिपोर्ट मिल चुकी है। वहीं ग्रामीण ने मीडिया की प्रशंसा करते हुए मीडिया का धन्यवाद किया। उधर ग्रामीण पवन दास का कहना है कि जिला अधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह मुख्य चिकित्सा अधिकारी को बचाने में लगे हुए हैं। मैनपुरी से संवाददाता गौरव पांडे की रिपोर्ट। करीमगंज में बुरी तरह से जो संक्रामक रोग फैले हुए हैं, जिसमें ज्यादातर मरने वालों की संख्या है और डेंगू बुरी तरह से फैला हुआ है, सर क्या सरकार कर रही है इसकी रोकथाम के लिए? पूरे उपाय किए जा रहे हैं रोकथाम के लिए, और जो बीमारी फैली है वो भयंकर है। कुछ लोग यहाँ दिवंगत भी हुए, मैं शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ उनके लिए, और अच्छा इलाज हो, बराबर डॉक्टर यहाँ हैं। अभी परसों मंडे को मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी मेरे पास आए थे, मैंने उनसे कहा था, कल ही वो टेस्टिंग की मशीन भी उन्होंने वहाँ से भेजी है, टीम भी लखनऊ से आ चुकी है जांच करने के लिए, और जितनी भी एहतियात बरती जा सकती है उतनी बरती जाएगी। जो उपचार की ज़रूरत है वो उपचार किया जाएगा, किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने की। सर मैं लगातार जो है ना सीएमओ साहब पर कयास लगाए जा रहे हैं कि सीएमओ साहब डेंगू की बीमारी को दबाए रखते हैं, आगे खुलने का हर उन्होंने जो है पैथोलॉजी को आगाह कर दिया कि डेंगू की रिपोर्ट ना दें, सर क्या कहेंगे इस संबंध में? नहीं, अन्य पैथोलॉजी पे, बहुत पैथोलॉजी पे तो वो मशीन ही नहीं है डेंगू जांच करने की जी, वो फर्जी कर रहे थे, कई पैथोलॉजी के खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। अब जो मशीन है वो लखनऊ से मंगाई गई है, उससे जांच हो रही है, यही उपलब्ध है जी, इसलिए सीएमओ की उसमें कोई गलती नहीं है। अच्छा सदन द्विवेदी, किस गांव के रहने वाले हो? करीमगंज। अच्छा, गांव में जो है ना डेंगू की बीमारी फैली हुई है, किस तरह का उपचार यहाँ पर हो रहा है, अब तक मौतें कितनी हो गई है? देखिए सर, उपचार के नाम पे तो सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है जी। मौतों की अगर बात की जाए तो कम से कम 18 मौतें यहाँ पे हो चुकी हैं जी अभी तक। अभी डीएम साहब, माननीय मंत्री जी, बाकी के कप्तान साहब, बहुत सारे अधिकारी लोग थे जिनसे व्यक्तिगत तौर पर हमारी बात हुई, तो हमने उनको पूरी बात अपनी बताई कि भाई मैं जो है 7 तारीख को सैंपल दे चुका हूँ जिसका, डेंगू का, कोरोना का, अभी तक मेरे पास रिपोर्ट नहीं आई। तो उन्होंने कहा है कि आप यहाँ पे दिखवा लीजिएगा, नहीं तो दोबारा से सैंपल दे दीजिएगा। रिपोर्ट नहीं मिली? अभी तक रिपोर्ट नहीं मिली है। क्या गायब हो गई क्या रिपोर्ट? 9 पेशेंट है, जबकि प्राइवेट पैथोलॉजी पे मैंने जाँच करा ली थी तो वहाँ पे मैं डेंगू पॉजिटिव था, घर के सारे सदस्य डेंगू पॉजिटिव। कितने दिनों हो गए सर जाँच को कराए हुए? मैं सर जो है 10 तारीख को प्राइवेट पैथोलॉजी पे गया था और 8 तारीख को इनको सैंपल दिया था। तो 10 तारीख वाली आपको रिपोर्ट मिल गई, 8 तारीख वाली सरकारी रिपोर्ट नहीं मिली आपको? सरकारी रिपोर्ट नहीं मिली, प्राइवेट जो मिली थी उसको दिखा के हमने डॉक्टर आनंद किशोर जो कुरावली पे हैं उनसे ट्रीटमेंट ले लिया था जी। अभी भी जाके पूर्ण रूप से राहत नहीं। अच्छा, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जो मंत्री जी आए थे श्री राम नरेश अग्निहोत्री जी जी, तो क्या आश्वासन दिया है मतलब ग्रामीणों को? अब उन्होंने आश्वासन दिया है कि कल से जो है किटें यहाँ पे आ गई हैं, अब प्रॉपर तौर पे यही जांच होगी। ये देखने वाली चीज़ है कि आगे क्या होता है, कैसी किट आई है, क्या जांच होगी, क्या नहीं होगी। अभी तक तो कोई मंत्री जी भी थे यहाँ पे, तब भी नहीं कोई डेंगू की जाँच करने वाला मौजूद था। क्या लगता है कि मंत्री जी कितने दिनों बाद आए हैं और किस कारण आए हैं, मतलब किसने ज़्यादातर इस मामले को उछाला है तो यहाँ पर जो है ना मंत्री जी का आगमन हुआ? ये तो जो है मीडिया वालों ने अपना उछाल के रखा हुआ है मामला। दूसरी चीज़ ये है कि अभी तक जो ट्रीटमेंट मिल रहा था वो भी बीच में जाके बंद हो गया, यहाँ पे बोतल वोतल लग जाती थी वो भी नहीं लग रही है अब जी।
तो अब मंत्री जी ने अपना संज्ञान लिया है, देखा होगा तब आए हैं। पवन दास कहाँ के रहने वाले हो? हरिमंज। अच्छा, इस समय जो है ना गांव में जो बीमारी फैली हुई है, कौन सा ये बीमारी है और अब तक कितने की लोगों की मौत हो गई है? गांव में ये बीमारी फैली हुई है, ये नाली पर छिड़काव कराया था पहले जी, और नाली में छिड़काव कराने के बाद ही दूसरे दिन से ही बारिश फैल जाएगी जी, और सारे गांव में फैला हुआ है, एक सप्ताह हो गया करीब। अच्छा, वो छिड़काव किसका था? छिड़काव पता नहीं किसका था, कीटाणु मारने वाला था, क्या था क्या मैं हम तो नहीं जानते हैं जी, उस छिड़काव से ही सारा बीमारी फैली हुई है हमारे गांव में जी, और डेंगू बीमारी बन गई है। 20-22-23 मौतें हो चुकी हैं अब तक जी। हाँ, अब तक 23 मौतें। लेकिन सीएमओ साहब बिल्कुल मना करते हैं कि डेंगू निकालिए, मत सीएमओ साहब क्लियर ही हम अपने व्यवहार कर रहे हैं जी, बिल्कुल इनके लिए यहाँ से तुरंत ही ट्रांसफर किया जाए, तुरंत सस्पेंड किया जाए, इन्होंने लोग कुछ कह नहीं पाते सामने। नहीं तो फिर प्रशासन क्यों जो ना सीएमओ को अभी तक जो ना बख रहा है? पता नहीं प्रशासन क्यों नहीं कह रहा है, डीएम साहब साथ दे रहे हैं, डीएम भी साथ दे रहे हैं सीएमओ साहब का। अच्छा, क्यों दे रहे हैं साथ, क्यों दे रहे हैं ऐसा, क्यों कर रहे हैं? सारी मौत आज कल मशीन आई हुई है, मशीन पहले आ जानी चाहिए थी। नहीं तो ये जो मौतें हुई हैं तो इसका जो ना इसमें किसकी विफलता है? इसमें डीएम की, सीएमओ साहब की, सीएमओ साहब फर्स्ट है, फर्स्ट सीएमओ साहब उसी डीएम साहब, दोनों लोगों की है, दोनों लोगों को तत्काल इनको पीड़ित दंड दिया जाए इनके लिए। मतलब जो है ना यहाँ पे एक तो लेट देखना, हाँ यहाँ लेट देखते हैं, यहाँ पर कोई डॉक्टर या कोई साधन ही नहीं है, बोतल वगैरह जो कहते हैं कि बोतल वगैरह चले, ऐसा कुछ नहीं है जी, जो आप ट्रीटमेंट करते हैं वो ट्रीटमेंट लोग लेते हैं, है कि नहीं? अरे समाज के लोग हैं, गाँव के लोग हैं, जैसे ट्रीटमेंट करेंगे आप वो ट्रीटमेंट वो स्वीकार करेंगे, लेकिन ऐसा तो है ही नहीं कि हमें गोली की टेबलेट की जरूरत है, हम बोतल लगवाएं, ऐसा कुछ नहीं है, सारा कुछ गलत बात कर रहे हैं ये लोग। अच्छा, आज यहाँ पर जो है ना मंत्री महोदय आए हुए थे अग्नोत्री जी, क्या आश्वासन दे गए हैं आप लोगों को? आश्वासन वो तो सही दे रहे हैं कि ट्रीटमेंट होगा, सही होगा, लेकिन आश्वासन ये तो नहीं दिया है कि इनको दंड दिया जाए, सीएमओ साहब के लिए, डीएम के लिए क्या दंड दिया जाए भाई? आज हमें 10 दिन हो गए, क्या वो भी बचाने में लगे हुए हैं? वो भी बचाने में तो नहीं लगे हुए हैं जी, हाँ मंत्री जी बचाने में नहीं लगे हुए, अगर मंत्री जी से कहा जाएगा, सभी लोग कहेंगे तो क्यों नहीं इनको दंड पहुंचेगी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.